पार्किंग में बाइक लग चुकी है अपनी चंपा और यहाँ पे ये दोनों खिलाड़ी तैयार हैं। चलो ठीक है, ब्लॉग बनाने के लिए। क्यों भाई? हाँ जी बिल्कुल तैयार हैं। तो चले अब हेलमेट डाल रहे हो? हेलमेट के लिए जरा उस भैया से पूछ लेते हैं क्या है। यो भाई मैप है यहाँ का पूरा कुतुब मीनार का मैप है। यहाँ टिकट करे इधर पार्किंग है। बस 40 रुपये का टिकट लिया है, ठीक है। और अब आप जा रहे हैं अंदर, बैग वगैरह यहाँ पे जमा करवा देंगे। बैग के 2 रुपये हैं। और भाई हम आए हैं कुतुब मीनार मेहरौली में और आज आपको कराएंगे एक्सप्लोर कुतुब मीनार को, और ब्लॉग को पूरा देखना है यार। पेट भर गया ना? यार कोई नहीं, अब चलते हैं भाई, अब चलते हैं और आपसे मिलते हैं। यो भाई यहाँ की एंट्री है, ठीक है। टिकट विकट चेक करवाएंगे अंदर और जाएंगे, ठीक है। और मैं यहाँ से कैमरा बंद कर रहा हूँ, कभी फिर कोई भसोड़ी हो जा। हाँ तो भाई एंट्री कर लिया अंदर की, ठीक है ना। आप पूरे नज़ारे का मज़ा लेना, ठीक है। और वीडियो को आगे जाने से पहले लेकिन सब्सक्राइब जरूर कर देना यार, ये काम बोल दें, ठीक है। और कुछ करना ना करना लेकिन सब्सक्राइब कर। हाँ तो भाई चले आगे हैं, अब पूरा माहौल दिखाते हुए चलो, क्या है क्या नहीं है भाई। मैं गाइड करता हूँ, चलो। हाँ गाइड करते हुए चलो, ठीक है। क्योंकि भाई देख सकते हो यार अलाई मीनार, आ जाओ चलो इधर ही आ जाओ। भाई देखो हम जा रहे हैं टॉम्ब ऑफ इल्तुतमिश, क्या है ये मकबरा। स्क्रीन शॉट मार देना भाई, देख है अगर समझ में ना आए तो। ये रहा भाई जो आप सामने देख रहे हैं ना, ये भाई अलाई मीनार है। और ये अलाई मीनार राजा अलाउद्दीन खिलजी ने 1300 ईस्वी में बनवाई थी। ठीक है, हाँ वो ये जंजीर के पार नहीं जाना है, अंदर अंदर बेशक से आ जाओ। भाई तुम भी कोई सा आया तो ये पार वार मत करना, ठीक है ना। जबरदस्ती फोटो जबरदस्ती फोटो वोटो लेने के चक्कर में तुम यहाँ के रूल वगैरह तोड़ोगे, ठीक है। इसलिए जो जहाँ तक है ना वहाँ तक ही करो। वो देखो जैसे कि वहाँ शूट चल रहा है इन बंदों का। तो भाई यहाँ तक की तो फोटो शूट हो गया, और आगे जाके देखते हैं कि क्या नज़ारा देखने को मिलता है, ठीक है। ये एक और रास्ता जाता है मीनार के इधर को निकल के, ये काले बाबा की गुफा भी है इसके अंदर। अच्छा जी देखते हैं भाई गुफा भी, ये छोटे छोटे से बने हुए हैं, ठीक है। मुझे तो भाई ये कबर वगैरह सी लग रही है, कबर ही लग रही है भाई, कबर ही है ये भाई। वैसे तो कब्रें ज़मीन के अंदर होती हैं, लेकिन यहाँ पर जो है कब्रें ज़मीन के ऊपर देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। और वही सारी की सारी कब्रें ऊपर ही हैं देखने को, पर लेकिन इन पे यार नाम नहीं लिख रहा, ठीक है ना। और आगे एक और मकबरा मिलेगा इल्तुतमिश का मकबरा, चलो वो भी दिखाते हैं आपको। हमारे साथ साथ चलते रहो, इल्तुतमिश का मकबरा और कबर। और भाई साहब यहाँ से है ना शुरू हो जाता है एक ऐसा राजा जिसने अपनी कब्र खुद ही अपने सामने बनवाई थी,
वो भी संगमरमर के पत्थरों के साथ, जिसमें नक्काशी एकदम बेहतरीन हो रही है। आप जब आओगे तो अच्छी तरह से देखना, बाकी मैं अंदर से दिखा दूँगा। और इल्तुतमिश और कोई नहीं था, कुतुब मीनार को पूरा करने वाला राजा था, जिसने कुतुब मीनार की ऊपर की 3 मंजिलें बनवाई थी। और इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का जमाई था। आओ ना इधर आओ ना, वहाँ क्या खड़े हो तुम? अच्छा हरीश, तो हाँ तो बताओ कैसे लगा? आप कवर ही लग रही है मुझे तो, पर इसके नीचे है ना वो है तहखाना सा। हाँ वो बाहर से रास्ते आ रहा है ना, तहखाना सा है वो। तुम ब्लॉगिंग शुरू करो, बता तो दो यार, तुम कुछ तो बात करो, तुम तो शर्मा रहे हो मेरे यार। शर्मा हो मत यार, गाइस बताओ यार, शर्मा कर रहे हैं, हम देख रहे हैं ना। ये कह रहे हैं कि हम नए हैं, अब नए कहाँ से देख रहे हैं, ये इतने बड़े बड़े हो गए, शादी भी हो गया, एक और रील बनने की जा लिया जा रही है, ठीक है। और वो सब आपको अपनी हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है ना। फुल मजे लेना, इंजॉयमेंट करना, देख लो भाई कैसा। बाकी हम भगने नहीं देंगे, हम पीछे पड़ेंगे जब तक हम पकड़ नहीं लेंगे उसको, ठीक है। और देख सकते हो आप, मैं जरा बैक कैमरा करके दिखा देता हूँ, पता है ना आ रहे हो ना, तो खींच तो मैं ही खींच लूँगा। और देखो भाई, अभी हम वहाँ सामने भी जाएंगे यहाँ पर, ठीक है ना। फिलहाल तो यहाँ को निकल के आए हैं, वो कवर बनी हुई थी, ठीक है। अभी हमने पढ़ा नहीं कि किसकी कवर है, ना ही यहाँ पर लिख रहा था, बाहर ही लिख रहा होगा किसकी कवर है। आपको अगर पता हो तो कोई बात नहीं, और नहीं तो आओ तो फिर पढ़ लेना, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और मुझे भी बता देना क्या है क्या नहीं है। और ये रहा अपना कुतुब मीनार, ठीक है। और ये रहे अपने दोनों बालक, फुल इंजॉयमेंट लेना यार। अभी ये थक गए भाई, एनर्जी बूस्ट करनी पड़ेगी इनकी। है अभी एनर्जी ड्रिंक लेके एनर्जी बूस्ट करेंगे ना। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं, लाल फोटो शूट करते हैं। अच्छा ये लोग तो तुम्हें तुम भी ब्लॉगर बन गए आज से? हाँ भाई बिल्कुल। हाँ तो कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है वो तो तुम्हें कैसा लग रहा है, पहला एक्सपीरियंस कैसा लग रहा है? पहला एक्सपीरियंस तो काफ़ी अच्छा रहा, बाकी हमारे यार दोस्त बताएंगे जो भी वीडियो देख रहे होंगे वो बताएंगे कैसा। अभी एक्सपीरियंस अच्छा रहा नहीं है, अभी एक्सपीरियंस चल रहा है, ठीक है। हमारे तो भाई बताएंगे कैसा है, और भाई आवाज़ भी खुल जाएगी भाई की, ठीक है ना। कोई नहीं, फर्स्ट टाइम सबका होता है, मेरा भी होता है, ठीक है। मेरा तो अब भी हो जाता है कहीं कहीं पे, पर बाकी कोई दिक्कत नहीं है। और ये है भाई अलाउद्दीन खिलजी की कब्र, मकबरा कह सकते हो, कब्र कह सकते हो, देख सकते हो आप कि कैसी लग रही है ये। और इसके नीचे भाई अलाउद्दीन खिलजी की बॉडी है, ठीक है। और बराबर में ही यहीं पे ही अलाउद्दीन खिलजी ने एक मदरसा बनाया है, ठीक है। हेलो, तुम्हारी फ़ोन में बैटरी नहीं है तो मैं चार्ज कर देता हूँ, कितनी करवानी है? अच्छा, और ये सामने क्या है, गेट की चीज का लगा हुआ है ये, ऊपर जाने के लिए है भाई? ऊपर जाएंगे इससे, चलते हैं फिर, क्यों रुके हुए हैं? अच्छा हाँ, तो कुछ नहीं, जंगल था ये वाला पॉइंट। रील वगैरह बनानी हो तो बना लो, एक आधी एनर्जी डाउन, एनर्जी डाउन। अरे मेरे यार, ऐसे भी लोग बनोगे भाई? देख लो भाई, पहले दिन इन बंदों की एनर्जी डाउन हो चुकी है, ठीक है। अभी इनको एक एक स्टिंग पिलाएंगे, इनकी बैटरी चार्ज करेंगे, ठीक है। फिर दोबारा से इनमें एनर्जी आ जाएगी, बूस्ट आ जाएगी। आ जाओ इन लोगों की फोटो खींचो, फोटो खींचो तुम। अरे प्लास्टिक का है वो, देखो भाई ये क्या है, देख लेना भाई क्या है ये। अभी बैग फेंक दे दी है, लग रहा है मैं नाम है।
तो देख सकते हो भाई आप कितनी हरियाली है यहाँ पे, और सभी बंदे लगे हुए हैं फोटो वगैरह क्लिक करने के लिए। और ये पानी जाने के लिए रास्ता है, यहाँ पे नहर है ये पानी की, ठीक है, जो आप देख रहे हैं ना ये नीचे नीचे ये नहर है, ठीक है। इनकी फोटो खींच लेते हैं, भाई अभी तो कैसे भी ना आया भाई, ये रहा कुतुब मीनार देख लो कितना लंबा है, ठीक है ना, और पीछे देख सकते हो क्या क्या है भाई, देखो मज़ा बहुत आता है यार ऐसी जगह पे आके, ठीक है ना। कुतुब मीनार अपने आप में ही एक नक्काशी का बहुत बेहतरीन नमूना है जो आप देख सकते हैं, और ये यार बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है जब इसको आप पास से देखोगे जाके, ठीक है ना, इसकी मंजिलों को देखोगे और इस पे जो काम हो रहा है उसको देखोगे, बहुत ही बेहतरीन लगता है। और आप सोचने पे ये मजबूर हो जाओगे कि उस ज़माने में कैसे किया होगा ये काम जो इतनी बेहतरीन नक्काशी की गई है आपके कुतुब मीनार में। जैसे कि देख सकते हैं एकदम सीधा खड़ा हुआ है, थोड़ा सा झुका हुआ है ये, लेकिन बेहतरीन लगता है देखने में। और ऊपर से इसकी 5 इमारत मंजिल इमारत को अलग ही बना देती है। और भाई ये है कुतुब कॉम्प्लेक्स जैसे कि देख सकते हो आप, और इधर ही मदरसा भी है, और ये पिलर देख रहे हो आप, पिलर बहुत ही मस्त लगते हैं देखने में अगर आप देखेंगे इसको गौर से तो। और भाई इधर की साइड में देख सकते हैं आप, ये हमारा कुतुब मीनार एकदम बेहतरीन लग रहा है, और सब देख रहे हैं भैया ऊपर मुचक मुचक के, ठीक है ना, गर्दन में बल ना जा थारी बिल्कुल। भाई देख लो यार अंदर बंदर का नज़ारा तो देख लिया हमने, घूम लिया, ठीक है ना, और बाकी तो कुछ ज़्यादा है नहीं यहाँ पे, ठीक, जैसे कि देख सकते हो पीछे अंदर बंदर जाना नहीं है इसके। कैसा लगा तुम्हें? मज़ा आया, पर तुम्हारी एनर्जी तो बिल्कुल ख़त्म हो गई, एनर्जी लेवल ख़त्म हो गया भाई तुम्हारा, अगली बार रेड बुल लेके आना। अरे हम भैया 5 दिन के जगह हुए, 5 दिन के जगह हुए, ऐसे क्या कर रहे थे? मच्छर काट रहे थे। मच्छर के तुम काट लेते, मच्छर कौन से ज़्यादा पड़े? काट रहे साल, मज़ा नहीं आया ना। अच्छा चलो, तो यार तुम यहाँ घूमे हो? हाँ नीचे से। यस। 14 प्रो। अच्छा 14 प्रो। हाँ। 15 प्रो लेंगे, 15 प्रो। हेलो क्या हो गया बताओ, आ रह गए। इधर से क्या? अच्छा वहाँ से है एग्जिट। भाई गलत जगह पर आ गए हम। रुको रुको रुको, अरे एकदम। तो भाई हम तो घूम घाम चुके हैं यहाँ पे, ठीक है ना, और आपको घूमना हो तो आप यहाँ पे आ सकते हैं, किसी के साथ आ सकते हैं, अकेले आ सकते हैं, कुछ भी जैसे भी चाहे वैसे आ सकते हैं। हम घूम चुके हैं जैसे कि आप देख सकते हैं, मेरे पीछे कुतुब मीनार है और हम यहाँ पे घूम चुके हैं,
और अब हम यहाँ से जा रहे हैं, एग्जिट ले रहे हैं। ये एग्जिट गेट है, ये भैया प्रकाशन पटेल पता नहीं क्या है, मुझे नहीं पता, आपको पता हो तो देख लेना। और ये पिरामिड टाइप जैसा कुछ बना हुआ है, देख सकते हैं, ठीक है ना। अरे तो भाई हम कर रहे हैं अब यहाँ से अलविदा, यहाँ को हम निकल के आए हैं, एग्जिट गेट है ये, ठीक। अब हम अपनी पार्किंग में जाएंगे, देखते हैं पार्किंग वगैरह में बाइक उठाते हैं और फिर निकलते हैं भाई। कहाँ जाते हैं वो हम बताएंगे आपको आगे, तक तबाक मजे लो भाई। हम लाएंगे अपना बैग, तो मेरे प्यारे भाइयों हमारे पास टाइम की कमी होने के कारण हम कुतुब मीनार को पूरा एक्सप्लोर नहीं कर पाए, और जितना किया हमने बहुत हो गया। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि हम इसको पूरा एक्सप्लोर करके आपको दिखाएं, एक एक चीज़ दिखाएं, वैसे यहाँ पर देखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप चाहते हैं तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएँ और कॉमेंट करके हमें बताएँ। थैंक यू, धन्यवाद। तुम्हें क्या खिंचवाना है, तुम्हें यही जगह अच्छी लगी? इधर आके खड़े हो, इधर खड़े हो आके ना, ऊपर ऊपर मत ना चढ़िए ना, एक आधी पत्थर वत्थर सरक गया तो।